झालमा नाले के मुहाने में खड़ा हूँ। पिछले कल भारी बाढ़ के कारण हमारा जो चनाव नदी रूका पड़ा है, जो झालमा नाला के अंदर लगातार फसल आने के कारण उसमें जो है स्तर बढ़ गया है बाढ़ का। हमारा जो नदी है चनाव नदी बहुत नीचे बैठ गया है। अभी मैं देख रहा हूँ सुबह से पानी निकलना शुरू हो चुका है। एक समय ऐसा आ चुका था कि चनाव नदी पूरा रुक गया था, जिस कारण जो है आज मैं झालमा पंचायत में पहुँचा हूँ। झालमा पंचायत में लगभग 4 हेक्टेयर से ऊपर लोगों के जमीन का नुकसान हुआ है, जिसमें गोभी, ब्रोकली, आइसबर्ग और मैं देख रहा हूँ चना सरसू, इस तरह के आलू आदि सब्जियाँ लगा के रखी लोगों ने, और भूमि का बहुत कटाव हुआ है, जिस कारण जो लोगों को बहुत नुकसान हो चुका है। झालमा के साथ साथ जैसे सामने गाँव है वहाँ भी 4 किसानों की जमीन काफ़ी नुकसान हो चुका है। आज मैंने सारे अधिकारियों से भ्रमण किया है और मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी नुकसान आपका हुआ है, मैं मुख्यमंत्री किसी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करूँगा, इनका भरपाई पूरा, परंतु ये जो नाला अभी थमा नहीं है, मुझे लगता है लगभग 16 घंटे हो चुका है, 16 घंटे से निरंतर ये नदी जो है आपका रुका पड़ा था, अभी शुरू हो गया पानी चलना, और जो आपका झालमा नाला है बाढ़ निरंतर आ रहा है। अभी मौसम खराब है, मैंने यहाँ के निवासियों को, लाहौल के निवासियों को कहा है कि झालमा से लेकर आपका टिंडी तक 14 पंचायतें हैं, वैसे 18 पंचायतें आपके पानी के अंदर है। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि नदी के किनारे ना जाएं, जब तक मौसम खराब है, फसलों के फसल काटने के चक्कर में खेतों में न जाए आप लोग, जिंदगी बहुत ज़रूरी है, ऐसे में थोड़ा नियम से काम लीजिए, क्योंकि नदी तक जो है नाले में फ्लड बंद नहीं हो रहा है। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी मसला बनेगा, जो भी हम सरकार से हो पाएगा, मैं क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान मिला चुका हूँ, जो मसला बनेगा, जो भी इनके जो नुकसान हो उसका पूरा भरपाई करने की कोशिश करूँगा।